Hello students and parents, how are you? This is the important message for students especially. बेटा मैंने देखा है बहुत दिन से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ बहुत से बच्चे प्रॉपर इंटरेस्ट शो नहीं करते. उनको लग रहा है कि अभी लॉकडाउन जब ओपन होगा, कोरोना ख़त्म होगा, देन वी स्टार्ट अवर स्टडी. बेटा मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग गलत हो. कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टडी कर रहे हैं और इन फ्यूचर उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा. मैं उन सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ. बट जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं अभी भी कि ये लॉकडाउन टाइम है, कोरोना टाइम है, वीडियोज़ ऑनलाइन क्लासेस जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट फ्री क्लासेस हैं, वो ये गलत सोच रहे हैं. बेटा अगर आप छोटी क्लासेस में हो, 7th, 8th, 9th, 10th, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया टाइम नहीं है आपके पास कि आप अपना बेस बिल्डअप कर सको. आप अभी से टारगेट बनाइए, आप अभी से डेडिकेटेड हो जाइए. क्या आपने कभी किसी एक IITian का इंटरव्यू सुना है जिसने टॉप करा हो या फर्स्ट 5 रैंक का स्टूडेंट हो? क्या आपने किसी KBPY स्कॉलर का कोई इंटरव्यू देखा है? कभी आपने किसी एम्स टॉपर का इंटरव्यू देखा है, IAS टॉपर का इंटरव्यू देखा है? तो आपने देखा होगा कि अक्सर अपनी स्टडी के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि जब हम 6th में थे या 7th में थे, हमने तब से प्लान आउट कर लिया था कि मैंने IIT जाना है, मैंने एम्स जाना है, मैंने नीट टॉप करना है, मैंने IAS बनना है, मैंने PCS बनना है, या मैंने KBPY करना है, या मैंने कोई अच्छा टारगेट सेट करना है, मैंने कैट करना है, मैंने वर्ल्ड की किसी टॉप कंपनी में एज ए माइक्रोसॉफ्ट कोई इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है. बेटा इन सब की जो प्लानिंग है ये छोटी क्लासेस से ही शुरू होती है. तो अगर आप छोटी क्लासेस में हो तो आप अभी से अपना एक टारगेट बनाइए और अपनी स्टडी को सिंसियरली करिए. अपने टीचर्स जो आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उनके वर्क को पूरी सिंसियरली करिए, घर पे स्टडी करिए और डेडिकेशन से पढ़िए. ऐसे नहीं कि आपने मोबाइल खोल रखा है, कोई वीडियो क्लास चल रही है, जस्ट फोटो स्कैन करके सेंड कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आप व्हाट्सएप चलाने लगते हो, आपके किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, वीडियो आपने पॉज कर दिया, मैसेज रिप्लाई करने लगे, ये अटेंशन नहीं है. ठीक है, आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट्स. आप अपने सेल्फ टिप्स बनाइए, क्रिएटिव होइए, अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करिए, अपना एक टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी को एक हाइट तक लेके जाइए ताकि जब लॉकडाउन ओपन हो, जब क्लासेस शुरू हो, जब आप स्कूलों में जाओ और जब आप ट्यूशन सेंटर पे जाओ तो फ़र्क दिखे लोगों को, आपकी प्रिपरेशन दिखे, आपका बेस स्ट्रांग हो, आपका फाउंडेशन क्लियर हो और फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो. और ख़ासतौर से स्टूडेंट्स जो +1 में हैं और +2 में हैं, उनके लिए तो कहने के लिए बहुत कुछ है. अगर वो अभी भी सीरियस नहीं है तो कब सीरियस होंगे? +2 स्टूडेंट्स के लिए तो जैसे समझिए टाइम ही कम होता जा रहा है. ये टाइम जितना ज़्यादा चलेगा उनके लिए उतना ही कम टाइम मिलेगा. अभी जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, पुराने पिछले साल के +2 वाले, उनके बेचारों का IIT, JEE मेन्स, एडवांस, नीट, वो सब कुछ अभी क्लियर नहीं है. वो तो चलो उनका जो भी डिसाइड होगा होगा, बट आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप क्यों लॉकडाउन ओपन होने के वेट कर रहे हो भाई? घर में पढ़िए, वीडियोस के थ्रू आपकी क्लासेस जा रही हैं, आपके घर में बुक्स है, आप एक टाइम टेबल बनाइए, सेटअप करिए, पेरेंट्स को रिलैक्स करिए और आप स्टडी करिए. अपने टारगेट के पीछे जाइए. जो +1 स्टूडेंट हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि बेटा एक अच्छा सा टारगेट बनाइए कि मैंने बोर्ड्स में 99% नंबर लेके आने, मैंने IIT जाना है, मैंने फर्स्ट 100 रैंक लानी है, मैंने फर्स्ट 200 रैंक लानी है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने राजेंद्रा कॉलेज पटियाला में एडमिशन लेनी है, मैंने एम्स में एडमिशन लेनी है, मैंने कैट करना है, मैंने IAS करना है. एक टारगेट बनाइए और छोटी छोटी चीज़ों को बिल्डअप करिए और अपने आप स्टडी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए. इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू डियर स्टूडेंट. क्या आपने कभी सोचा है आपके घर में पेरेंट्स लॉकडाउन टाइम में भी वर्क कर रहे हैं? मदर मॉर्निंग वेकअप होकर के आपके लिए नाश्ता, लंच, डिनर, घर का सारा काम, उनके लिए तो कोई कोरोना नहीं है. पेरेंट्स अगर वर्कर हैं तो वो काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, फार्मर हैं तो खेतों में जा रहे हैं, ऑफिसर्स हैं तो ऑफिस में जा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं तो अपने शॉप्स और शोरूम ओपन कर रहे हैं. कितनी टेंशन हैं, पैसा कहाँ से आएगा, एम्प्लॉयज़ को पैसा कैसे देना है, घर के खर्चे कैसे चलाने हैं, बैंक्स, लोन, इंस्टॉलमेंट्स, लेन देन, वो सब अपना काम कर रहे हैं. आप ही जस्ट रिलैक्स्ड हो, स्टडी जस्ट रिलैक्स्ड है कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तब हम शुरू करेंगे. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू. एज यू नो आई एम देवकी नंदन, केमिस्ट्री एक्सपर्ट.
ठीक है, आई एम ए मेंटर ऑफ नंबर ऑफ IITians, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड मेडिकल वंस. सो द आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू ए स्टडी विद सिंसियरली, मेक प्रॉपर नोट्स, रीड बुक्स एंड यूज द वीडियोज सेंड बाई योर स्कूल्स और योर ट्यूशन सेंटर्स. वॉच दैम एंड डिस्कस द डाउट्स विद द स्टूडेंट्स. एंड प्लीज आप अपनी पढ़ाई खराब ना करिए, क्योंकि ये जो टाइम निकल गया ये दोबारा नहीं आएगा, आपको मैंने बता दिया. ठीक है, तो आपके लिए जो भी सिस्टम चल रहा है आप उसको फॉलो करिए. आप ये चिंता मत करिए, आप गवर्नमेंट मत बनिए, लॉकडाउन कब ओपन होगा, सरकार क्या कर रही है, बाकी सराउंडिंग क्या कर रहे हैं, ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं. आपने तो बस एक काम करना है, घर में रहना है और स्टडी करनी है. जो रिसोर्सेज आपके पास कम है वो पेरेंट्स को बताइए. एंड प्लीज़ डू योर स्टडी विद सिंसियरली एंड वॉच द वीडियोज. अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ देन प्लीज़ यू कैन कॉल मी एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी. यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर ऑनलाइन क्लासेस. ओके, थैंक यू, थैंक्स अलॉट. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. एंड बी सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.